हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आधार कार्ड से फ़ोन पे अकाउंट कैसे बनाओगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड से फ़ोन पे अकाउंट बना के दिखाऊंगा। अगर आपने अकाउंट ओपन कराया है और आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड के जरिए फ़ोन पे चला सकते हो। ये नया अपडेट आया है तो आज के इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड से आप कैसे फ़ोन पे में अकाउंट क्रिएट करोगे, कैसे फ़ोन पे में आधार कार्ड की मदद से अकाउंट बना पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे और वहीं पे आपको बताएंगे बिना ATM कार्ड के आधार कार्ड से कैसे फ़ोन पे में अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन पे ऐप आपको डाउनलोड करना है। अगर आप आधार कार्ड से फ़ोन पे अकाउंट बनाना चाहते हो बिना ATM कार्ड के, तो आपको फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिख जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर प्रोसीड का बटन जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद अब आपके सामने OTP इस तरीके से सेंड किया जाएगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। ये OTP ऑटोमेटिक भी फिलअप हो जाएगा, आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं फिलअप होता है तो आप मैनुअली फिलअप कर लीजिएगा। OTP डालने के बाद अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, फ़ोन पे ओपन होकर आ जाता है। अब देखिए आपको करना क्या है। सिंपल तरीका, आपका यहाँ पर जो प्रोफाइल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐड बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक है वो बैंक सेलेक्ट करने है। जितने भी बैंक यहाँ पर आ जाती हैं सभी की सभी बैंक के, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो बैंक है वो सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मेरा बैंक है, तो यहाँ पर मैं अपना जो बैंक है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो मेरा बैंक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो मैं यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से लॉगिन हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके लॉगिन होने के बाद यहाँ देखिए डन का ऑप्शन भी आ चुका है। अब आपके सामने क्या आ चुका है देखिए यहाँ पर, तो मेरे यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो नीचे आया ये डन का ऑप्शन आया है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सेट UPI पिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो डन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको दिखेगा सेट UPI पिन। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सेट UPI पिन का अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है तो आपको सेट UPI पिन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेट UPI पिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे क्योंकि ये अभी सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ही अवेलेबल है। आने वाले टाइम में ये सभी बैंकों में अवेलेबल हो जाएगा। कुछ टाइम मतलब 1-2-3 महीने में ये सभी बैंक में आ जाएगा। न्यू अपडेट ये आया है कि बिना ATM कार्ड के अब आप आधार कार्ड के जरिए फ़ोन पे में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आधार कार्ड की मदद से फ़ोन पे अकाउंट बना सकते हो और यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। आपको ATM कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये अभी सिर्फ कुछ ही बैंक में अवेलेबल है, सभी बैंकों में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में सभी बैंक में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देखे रहेंगे तो आप बना सकते हो आधार कार्ड की मदद से, आपको ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली अब देखिए जब ये वाला ऑप्शन आ जाता है तो इस पर ट्रिक मार्क कर देना है यहाँ पे। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, ये आधार कार्ड जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रोसेस आपका ओके है तो आप देखिए नीचे जो प्रोसीड का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या आता है देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन खुल के आता है वेरीफाई आधार नंबर। अब आपको आधार कार्ड का जो नंबर होता है आगे का, उसमें से आपको 6 अंक डालना है, आगे का 6 नंबर डालना है आधार कार्ड का। आधार कार्ड के ऊपर आपका नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें से आपको यहाँ पे 6 अंक आगे का डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर 6 डिजिट डाल लेता हूँ। जब प्रोसीड का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पर, उस पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरीके से इंटर 6 डिजिट आधार OTP, आधार की तरफ से OTP आ चुका है। ये फिलअप भी हो चुका है ऑटोमेटिक। नीचे डन के बटन पर यहाँ पर जो डन का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे डन के बटन पर क्लिक करोगे फिर आपके बैंक से OTP सेंड किया जाएगा।
बैंक के बैंक ओर से ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बैंक ओर से ओटीपी आने के बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आपको मैन्युअली ओटीपी डाल देना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं बैंक की तरफ से ओटीपी कितने टाइम में आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बैंक की तरफ से ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए डाल देना है ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद नीचे डन के बटन पर क्लिक करोगे और यहाँ देखिए सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन, ये यूपीआई पिन आपको बनाना है। यूपीआई पिन यही होता है कि यहाँ पर जब भी आप यूपीआई पिन क्रिएट करते हो तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप यूपीआई से करोगे तो आपको ये पिन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस पिन के बिना आप यूपीआई से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये जो आप पिन बनाओगे इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं पिन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो पिन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे नंबरों में से कोई भी एक नंबर पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब पासवर्ड सेलेक्ट नहीं, पासवर्ड यहाँ पर बनाना है तो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर नंबरों में से, और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे डन पर क्लिक करूँगा और जो अभी मैंने यूपीआई पिन डाला वही यूपीआई पिन को दोबारा डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर दोबारा डाल लेता हूँ, नीचे डन के बटन पर क्लिक करूँगा और ये इस तरीके से लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद अब आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपका जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब आप यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन फ़ोनपे से कर सकते हो, किसी को भी पैसा भेज सकते हो, किसी को भी पैसा रिसीव कर सकते हो, किसी से पैसा ले सकते हो। ये आपका यूपीआई पिन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ देखिए ये आपका फ़ोन पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है आधार कार्ड की मदद से। इसी प्रकार से आप आधार कार्ड से फ़ोन पे अकाउंट बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।